मैं मनीष कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज इन्फो। इधर काफ़ी समय से हम लोग लॉकडाउन की वजह से व्यस्तता के कारण हम लोग मुलाकात नहीं हो पाई, ना ही कोई आगे की आपको जानकारी दे पाए। इधर कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस हुई कि लोगों के धंधे बंद हुए, महामारी इतनी ज़्यादा फैल गई कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, लोगों के फाइनेंशियल लॉस भी हुए, अर्थव्यवस्था भी चौपट हुई, जो कि अभी भी पूरी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। और इस समय महामारी का रूप ये हो गया है कि करीब करीब अब पर डे इस मतलब डेथ के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अब आज की डेट में ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई है कि मतलब लोगों से ये कहा जाता है कि आप मास्क लगा के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलें, लेकिन लोग उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं और बिना मास्क या बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग काम कर रहे हैं, जो कि इसका एक बहुत ही ख़तरनाक रूप सामने देखने को मिल रहा है और रोज़ हमारे डेथ रेट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इस समय पूरी कंट्री कोरोना से जूझ रही है, महामारी से जूझ रही है और आगे आने वाले समय में भी अभी इसको कितना समय लग जाए कि ये महामारी ख़त्म हो, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस इसके लिए ये हो सकता है कि इसको किसी तरीके से रोकना है या उसके रोकथाम के तरीकों को अपना लिया जाए तो हम उसको रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि इस कोरोना काल में महामारी जो फैली है उसमें लोगों के रोज़गार चले गए, अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं और लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इन स्थितियों को समझने के लिए या इन स्थितियों को या कोई भी चीज़ है उससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बन जाती हैं। तो आज इस महामारी को देखते हुए कुछ कंपनियों ने कोरोना रक्षक के नाम से, कोरोना कवच के नाम से कुछ पॉलिसियां भी लॉन्च कर दी हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल लॉस को कुछ हद तक कवर कर सकती हैं, जिसमें कि हमारी स्टार हेल्थ की कोरोना रक्षक पॉलिसी है जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के समय, इस पॉलिसी में वो भी ये है कि अगर आदमी कोरोना की वजह से या कोरोना सिम्टम्स की वजह से अगर एडमिट होता है तो हम वहाँ पे आप उसको कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आज कुछ हॉस्पिटल्स वालों ने पैकेज बना दिए हैं जो कि पैकेज के रेट 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख 3 लाख तक हैं, जो कि लोगों को अवॉइड करने में दिक्कतें हो रही हैं। तो इन सबको देखते हुए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है ताकि हर व्यक्ति के जेब में कोरोना रक्षक पॉलिसी आ सके और अगर कोई उसको सिम्टम्स होता है तो वो उसका इलाज आराम से करा सके। ये पॉलिसी 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने में, जो कि इसकी प्रीमियम भी बहुत ही कम रखी गई है, एक रीजनेबल रखी गई। अगर हम एक मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो करीब 60 से लेकर 500 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और उससे हम खुद को सिक्योर कर लेते हैं। आने वाले समय में अभी किसी भी स्थिति को ये नहीं बोला जा सकता है कि इस महामारी को कब तक ये चलेगी, कब तक आगे रहेगी, तो ये नहीं बोला जा सकता है। अब चूंकि ये फाइनेंशियल की अगर बात करें तो ये फाइनेंशियल तो वैसे भी चला गया है और आगे आने वाले समय में अभी ये नहीं दिख रहा है कि इस पर कितना काबू बन हो सकेगा, क्योंकि अभी इसका कोई भी एक पर्टिकुलर वो वैक्सीन भी तैयार नहीं हो पाई है जो कि अभी बताया जा सके कि हाँ इस वैक्सीन को लगाने पे हमारा जो कोरोना से हमारी जो बीमारी COVID-19 की हो रही है वो रुक सकेगी। तो सबसे बेस्ट ये तरीका है कि अगर आप लोग थोड़ा सा जागरूक हों तो कम से कम एक छोटी सी हेल्थ पॉलिसी कोरोना रक्षक की एक बार जरूर लें ताकि आप अपने घर के या फैमिली मेंबर को भी सिक्योर कर सकें और खुद भी सिक्योर हो सके। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।